नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। दुकानें अब 10 से शाम 7 बजे तक और बार और रेस्तरा रात 10 बजे तक खुलेंगे चंडीगढ़ में। कर्फ्यू रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक। रसोई व गार्डन के वेस्ट से बनेगी खाद और वेस्ट पेपर से उगाए जाएंगे पौधे, पंचकुला नगर निगम की पहल। और शहर सफाई केंद्र में रात रात खड़ा किया 5G टावर, सेक्टर वासियों ने किया विरोध, रोका निर्माण का काम। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासक VP सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई वार रूम कमेटी में कोरोना के कम हो रहे मरीजों को देखते हुए शहरवासियों को लॉकडाउन से और छूट दी गई। अब दुकानें और बाजार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। बार और रेस्तरां और रेस्टोरेंट अब रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। वहीं अब रात का कर्फ्यू भी 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा करेगा। रविवार को लॉकडाउन या कर्फ्यू रहेगा या नहीं, इसका फैसला बाद में लिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू को जारी रखते हुए कई प्रतिबंधों से लोगों को छूट का ऐलान किया है। बुधवार से रेस्टोरेंट, ढाबे, सिनेमाघर, जिम आदि 50% क्षमता के साथ खोलने का ऐलान कर दिया गया है। AC बसें भी 50% क्षमता के साथ अब सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। क्लब अहाते बंद रहेंगे। शादियों और दाह संस्कार में व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया है। कैप्टन सरकार ने प्रतिदिन 8 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया है, जो कि सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 35B में रेजिडेंस ने जमकर हंगामा किया। रेजिडेंस का यह हंगामा 5G टावर को लगाने को था, जो कि सहज सफाई केंद्र की जगह लगाया जा रहा था, जहां लोग इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए निर्माण कार्य रुका दिया। 5G टावर का निर्माण कर रहे मजदूर भी मौके से रफू चक्कर हो गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में रह रहे स्थानीय लोगों ने आज जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि ये विरोध 5G टावर लगाने के विरोध में किया गया है। सेक्टर 35 में कूड़ा फेंकने की जगह पर ये 5G टावर लगाया गया है। यहाँ पर पहले सहज सफाई केंद्र था, जहाँ पर सभी स्थानीय निवासी कूड़ा फेंका करते थे, लेकिन रातों रात यहाँ पर टावर लगा दिया गया और कूड़ा बाहर फेंक दिया गया, जिसके चलते सहज सफाई केंद्र के अंदर रातों रात 5G टावर खड़ा करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। वहीं स्थानीय लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्थानीय लोगों का कहना है कि 5G टावर के कितने नकारात्मक प्रभाव है ये सरकार जानती है, लेकिन सरकार लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों कर रही है। वहीं उन्होंने प्रशासन और सरकार से इस 5G टावर को यहां से जल्द हटाने की मांग की है। पहले डंपिंग ग्राउंड था, जब से हम बोल रहे थे भी ये उठाया जाए, क्योंकि इसका भी काफी नुकसान था, इसमें से भी काफी बैड स्मेल आती थी गर्मियों में भी सर्दियों में भी। जब हम बोले तब तो उन्होंने उठाया नहीं, 10 साल तो हमें भी देखते हुए हो गए, और अब टावर के लिए ये बड़ी जल्दी उठाया गया, पता भी नहीं चला अभी किसकी सिफारिश लगी है या किसकी अप्रोच लगी है, अभी किसके में इतना दम था जिसने डंप उठा दिया, ठीक है ना। तो इतना तो मैं कहती हूँ इससे हमारे को डंपिंग उससे नहीं नुकसान था जितना कि टावर से होगा, और ये खुद ही बोल रहे हैं, हमें भी बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही इनको पता भी है अभी ये टावर लगाने से कितना नुकसान होगा पब्लिक का भी, अपने पक्षियों का भी, सबका, ठीक है ना। तो इनको अगर इसका कोई नुकसान है तो ये अपने घरों में क्यों नहीं लगवाते, अपने घरों के आसपास क्यों नहीं लगवाते, अपने घरों से तो बाहर भी नहीं निकल रहे ये। पिछले कितने सालों से यहाँ पे एप्लीकेशन लिखते रहे हैं कि कूड़ा घर हटा के यहाँ पे इसको सिविलाइज तरीके से रखा जाए, यहाँ कूड़ा बाहर निकाल के रख दिया और यहाँ पे टावर लगाने की हम जितनी एप्लीकेशन दी आज तक कोई नहीं मानी गई। आज टावर लगने की बात आई है तो एक रातों रात में सारा काम हो गया। कितना नुकसान होगा टावर लगने से? टावर लगने से सारे पंछी मरेंगे, सारे हम देखिए ना रेजिडेंशियल एरिया कितना ज़्यादा पास है, इतनी ज़्यादा पास थोड़ी लगते हैं टावर, तो नुकसान तो होगा ही, इसकी रेडिएशन तो है ये वी ऑल नो दैट। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, टावर यहाँ पे टावर नहीं प्लेस होना चाहिए, थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया से दूर टावर प्लेस होना चाहिए। टावर ऐसे घर के बिल्कुल ऊपर थोड़ी लग जाते हैं टावर। यहाँ पर कूड़ा डालती थी पब्लिक, SSK था, तो रात रात में मोदी सरकार ने जो यहाँ पर टावर लगा दिया,
तो पता भी नहीं लगा पब्लिक को। जब सुबह पब्लिक उठी है तो देखा यहाँ पर उन्होंने अपना टावर लगाया हुआ है, और ये टावर लगाने से पता है कि सारी इधर देखो पूरा ए है, बीबीएम कॉलोनी है, आप देख रहे हो सबके घर है। टावर लगाने से सबको पता है कि प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कैंसर जैसी बीमारी पैदा होनी है। जो पक्षी हैं आप देख सकते हो, कुछ पक्षी इस मौसम में अभी नए भी आए हैं यहाँ पर, तो पक्षियों को पता है आपको कि कितनी प्रॉब्लम आनी है, उनको सुनना बंद हो जाएगा। और जो पब्लिक है मतलब बच्चे हैं छोटे, और जैसे पार्क में खेलते हैं सब कुछ करते हैं, एक आप एक कूड़ा देख सकते हो कि सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा है, जो कूड़े वाली जगह थी उन्होंने अपना दावा बोल दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो ये लेडीज हैं इकट्ठी हुई हैं इसीलिए क्योंकि रात इनको पता नहीं लगा। जैसे सुबह उठा तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तब मैं यहाँ पर आई इनकी सुनने के लिए। और जो मर्जी हो जाए हम टावर नहीं लगने देंगे, चाहे हमें कोरट तक भी जाना पड़े तो हम कोरट तक भी जाएंगे, साइन करके सड़कों पे उतरना पड़े, गिरफ्तारी देनी पड़े, लेकिन टावर नहीं लगने देंगे। सेक्टर 35 के शहद सफाई केंद्र में रातों रात लगाए गए 5G टावर के विरोध में अब स्थानीय लोग उतर चुके हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए सरकार और प्रशासन से इस 5G टावर को यहां पर ना लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस 5G टावर के लगने से उन्हें बेहद नुकसान होगा और साथ ही जानवरों को भी खतरा होगा। वहीं अब देखना ये होगा कि स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किए जाने को लेकर प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के रायपुरानी क्षेत्र के गांव भूड़ में चल रहे रॉयल्टी कंपनी के ओवरलोड खनन के टिप्परों को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय थाना परिसर और पंचकुला के एएसपी सतीश कुमार से बैठक की और अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने एक तो नाजायज रास्ता बना लिया है और उस रास्ते का इस्तेमाल ना कर उसके टिप्पर गाँव के बीच से निकल रहे हैं, जो कि लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पंचकुला के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव भूड़ में चल रही रॉयल्टी कंपनी के ओवरलोड खनन के टिप्परों को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय थाना परिसर का घेराव किया और पंचकुला एसीपी सतीश कुमार से बैठक की है। इस बैठक में ग्रामीणों ने एसीपी को अपनी समस्या के बारे में बताया। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शरणजीत सिंह ने बताया कि भूड़ और गणोली पंचायत द्वारा रॉयल्टी कंपनी को बिना किसी मुआवजा के एक गाँव के बाहर से पंचायत की जमीन से रास्ता दिया गया है, लेकिन फिर भी रॉयल्टी कंपनी के टिप्पर गांव के बीच से होकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव से ओवरलोड टिप्परों की आवाजाही की वजह से ग्रामीणों के घरों और बच्चों को भी स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है। गांव के बीच में से ओवरलोड टिप्पर जाने की वजह से कभी भी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र के कुछ लोगों ने गांव बचाओ संघर्ष समिति बनाई, जिसके बाद ग्रामीण एसीपी से बातचीत करने पहुंचे, जबकि एसीपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जब तक आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक गांव के बीच से टिप्पर नहीं चलेंगे। 8-10 दिनों से गांव भूड के अंदर माइनिंग को लेकर जो नजायज गाड़ियां गांव के रोड से गुजर रही उनको लेकर के ये मुद्दा था। वहां गांव के अंदर 4 दिन पहले हमारे लगभग तकरीबन 15-16 पंचायतों के मौजूद आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके के लोगों ने एक कमेटी गठित की है। और ये जो प्रॉब्लम है ये खाली एक गांव की नहीं है मात्र, इस रोड से जो ऊपर के 20-25 गांव जुड़े हुए हैं और फिर वहाँ पे +2 का स्कूल है, वो वहाँ पे बच्चों को लेकर भी ये सभी गांवों की समस्या है। और मेन जो गर्मी का मौसम है, जैसे ही वहाँ से आबादी के बीच से गाड़ियाँ गुजरती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग तो देखते ही हैं, वैसे ही नहीं बाहर निकला जाता, लेकिन जैसे ही वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो डस्ट, एक तरह से खाना बनाना ये और सब चीज़ें, और उधर आपको पता है कोरोना की मार है, वैसे ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई है और हमने अब आज एसीपी से भी अपनी यहाँ की समस्या से अवगत कराया, उन्होंने आश्वस्त भी कराया हमें कि आपकी समस्या का सॉल्व किया जाएगा। और मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है सरकार से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी इसको कोई किसी व्यक्ति विशेष में आकर के जनहित की जो प्रॉब्लम है इसको देखते हुए इसको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि आम जनमानस को जो समस्या है वो तो है ही, और इस गर्मी के अंदर जैसे और लोग भी अगर वहाँ आकर के संघर्ष करना पड़ेगा
तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको रास्ता बिल्कुल दिया गया है, हम गणौली पंचायत भूट पंचायत के जो खेतों का रास्ता था 16.5 फुट का रास्ता, उसको सभी दोनों गांवों ने बिना कोई मुआवजा लिए उसको फ्री में वो रास्ता दे दिया गया और अपनी यहां से गाड़ियां निकाल ले और गांव से बाहर बाहर। लेकिन वो अब जबरदस्ती 800-1000 फुट की गाड़ियाँ वो गाँव के बीच में से निकालना चाह रहा है और जो कभी भी हम निकलने नहीं देंगे। ये संघर्ष समिति आज भी ऐलान करती है कि उसकी गाड़ियाँ गाँव के बीच में से नहीं निकलेंगी। गाँव के बीचों बीच से टिप्पर गुजरने की वजह से ग्रामीणों में रोष है। हालांकि कंपनी के टिप्परों को आने जाने के लिए खेतों के बीच से रास्ता दिया गया है, जिसके बावजूद भी ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वहीं एसीपी ने भी ग्रामीणों को आश्वासन तो दे दिया है, देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एप्लीकेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ कर दिया है। इस स्कीम के शुरू हो जाने से श्रमिकों को पेश आने वाली समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज पंचकुला के सेक्टर 1 में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा बिल्डिंग एंड अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड लेबर डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर अनूप धानक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा के सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम की ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम का शुभारम्भ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किया गया। जो हमारा कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड है, इसके अंदर अब तक जिला लेवल पर तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती थी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो चाहे अप्रूवल की हो। और पीछे भी एक करनाल का विषय आया था जिसके अंदर 50,000 की रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा था, जो एक गरीब लेबर को रजिस्टर करने में भी अड़चन डाल रहा था। उस दिन हमने टारगेट लिया कि जीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ टेक्नोलॉजी के सहयोग से एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर कोई भी श्रमिक अपने रजिस्ट्रेशन करता है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग और तमाम उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज होती है वो किस अधिकारी के पास जाएंगी, कैसे प्रोसेस होगा, इसको जीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ रखा जाए। और इसके लिए फिर हमने पंचकुला के अंदर बेस कर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके अंदर 22 के 22 जिलों के जितने एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन तमाम हमारे चारों स्तरों के अधिकारियों को बैलेंस के साथ भेजी जाएगी और फीफो की मदद से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले श्रमिक की एप्लीकेशन को पहले डील किया जाए, उसको डिले ना किया जाए, उस टेक्नोलॉजी के साथ तमाम हमारे 22 जिले के अधिकारियों को बराबर कार्य बैलेंस किया जाएगा। और जब तक वो अपनी पहली एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेगा तब तक दूसरी एप्लीकेशन का उसको नहीं पता चलेगा। और अगर कोई अधिकारी 1 महीने तक अपनी पेंडिंग एप्लीकेशन को डील नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। तो इससे एक लाभ जरूर मिलेगा कि हमारे जो 3,38,000 से ऊपर रजिस्टर्ड आज लेबरर्स हैं और उसके साथ आने वाले दिनों में जो लेबरर्स और जुड़ेंगे कंस्ट्रक्शन साइट से, उनको उनके बेनिफिट्स टाइमली भी मिलेंगे और दुरुस्ता के साथ। हालांकि इसके अलावा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के उचाना में एक अध्यापक को गोली मारने के मामले में मेरी एसपी से बात हुई है और ये आपसी रंजिश का मामला था। जो लोग पहले बेल पर हैं उन्हें भी मॉनिटर किया जा रहा है और अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई उन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बेरोजगारी को लेकर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा पीजीआई चौक के सामने होर्डिंग व बैनर लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें वे गले में अपनी डिग्रियां भी डाले हुए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों को नौकरियां देने में और उन्हें रोजगार देने में असफल साबित हुई है। चंडीगढ़ में आज यूथ कांग्रेस की ओर से बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीजीआई चौक के सामने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने गले में डिग्रियां डाले हुए थे। इनका कहना था कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ रहा है। सरकार नई भर्तियां निकाल नहीं रही है, जबकि कई सरकारी कार्यालयों में अनेकों पोस्ट खाली पड़ी हैं। प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर मोदी सरकार की खूब आलोचना की और कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में नौकरियां तो क्या देनी थी, बल्कि लोग बेरोजगार हो गए। हालात ये है कि अब देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के पास अभी भी रोजगार को लेकर कोई प्लान नहीं है, इसलिए वे अब अपनी डिग्रियां गले में डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार दिया जाए। आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करी है कि देश का युवा आज के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेकर बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, मोदी जी से विनती है कि कृपा करके उनको भरें ताकि देश का युवा बेरोजगार ना रहें, वो 2 वक्त का खाना खा सके, अपनी आमदन बढ़ा सके, काम कर सके। मोदी जी से यही विनती है कि देश के युवाओं को नौकरी दे, ना तो वो वैक्सीन दे पा रहे हैं, कम से कम नौकरियां तो दे दे देश के युवाओं को। ये प्रदर्शन बेरोजगारी के ऊपर है सर। यहाँ इस देश के अंदर बेरोजगारी स्तर बद से बदतर हो चुका है, ये कोविड से पहले से ही बद से बदतर हो चुका था और कोविड के बाद तो अब और बढ़ता जा रहा है। सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की मदद हो, कुछ लोग अच्छे से काम कर सकें, लोग अपना काम चला सकें, बट नहीं, इस सरकार ने तो हद ही कर दी। ना तो वैक्सीन मिल रही है, ना लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों के हालात बहुत बदतर हैं, ना लोगों के काम चल रहे हैं। सो हम मोदी जी से यही अपील करना चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म की जाए और बंदों को रोजगार दिया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। कोरोना काल में पिछले 1 साल में जहां लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, तो वहीं इससे पहले भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। जरूरत है कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम पंचकुला एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसके तहत अब रसोई के कचरे से खाद बनाई जाएगी और कागज के पुराने कूड़े करकट से और लिफाफों से उन्हें रिसाइकल कर उसमें बीज डाले जाएंगे, जो कि बाद में जमीन पर फेंकने पर ना केवल खुद मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे बल्कि जमीन में पौधे भी उगेंगे, जिससे हरियाली भी फैलेगी। यह योजना बहुत जल्द पंचकुला में शुरू होने जा रही है। इसकी जानकारी पंचकुला के मेयर कुलभूषण ने दी। नगर निगम पंचकुला शहर के सौंदर्यकरण और पंचकुला शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से जल्द ही बायोडिग्रेडेबल लिफाफे लाने जा रहा है, जिसके इस्तेमाल के बाद फेंकने पर वह मिट्टी बन जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट से बने कागज भी तैयार किया जाएगा और उस कागज में बीज भी शामिल होगा। जब तक कागज मिट्टी पर गिरेगी तो उसके बीज से पौधे उग सकेंगे। इसकी जानकारी पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल ने दी। उन्होंने बताया कि किचन व गार्डन के इस्तेमाल होने वाले कचरे के लिए भी मिट्टी का बना हुआ कंपोस्टर भी लाने जा रही है, जिससे खाद बनाई जा सके। पंचकुला में जो मार्केट्स के अंदर अब हम ट्विन जो डस्टबिन हम ले रहे हैं 80 लीटर के हैं वो, और 300 डस्टबिन का ऑर्डर प्लेस किया गया है कंपनी को, करीब 50 लाख का काम है और पूरी की पूरी पंचकुला शहर की भी और गांव की भी सब मार्केट्स में डस्टबिन लगेंगे। 2-2 का ये सेट है, 4 कलर्स में बनाए गए हैं। 225 जो डस्टबिन हैं वो नीले और हरे कलर के हैं और 75 डस्टबिन लाल और पीले रंग के हैं। जैसे जैसे बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे 4 कलर के डस्टबिन लगेंगे और जहाँ पे छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पे अकेला नीला और हरा, गीला और सूखा कूड़ा ही होता है, उसी हिसाब से डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाली 17 तारीख को हमारे आदरणीय स्पीकर साहब इनॉग्रेशन कर रहे हैं पंचकूला को प्लास्टिक फ्री करने के लिए। हम बायोडिग्रेडेबल कॉर्न से बने हुए लिफाफे, चाहे वो घर के राशन खरीदने के लिए हों, चाहे जे हमारा जो कूड़ा करकट वाले हैं, दोनों को बायोडिग्रेडेबल हम लिफाफे लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपोस्ट की जो हमारी सब घरों में जो गीला कूड़ा निकलता है उससे खाद बनाने के लिए मिट्टी के कंपोस्ट हम लेके आए हैं 800 रुपये में सिर्फ, वो भी उसी दिन लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ जो तीसरा प्रोजेक्ट है कार्ड डस्टबिन का, उसमें 2 तरह के डस्टबिन हम लेके आए हैं, एक
थोड़ा सा छोटा डस्टबिन है जिसकी कीमत 100 रुपये होगी और दूसरा 180 रुपये का डस्टबिन है। ये दोनों डस्टबिन कार में आराम से आ जाएंगे ताकि कार से बाहर कोई भी कूड़ा करकट पंचकूला शहर के अंदर ना फेंके। ये दोनों डस्टबिन भी उसी दिन हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे घर में रद्दी वगैरह या कोई भी अखबार वगैरह होते हैं या और भी चीज़ें कोई भी निकलती हैं उनसे आगे गत्ता बनाना और या कागज़ बनाना उसकी भी हम मुहिम चलाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि बढ़ते प्रदूषण को देखकर सरकार द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है ताकि प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 4 में राजीव कॉलोनी पंचकुला तक नाले के शुद्धिकरण के कार्य का शुभारंभ कर दिया गया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से एमडीसी सेक्टर 4 में राजीव कॉलोनी तक इस नाले का सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा और किनारों पर पौधे लगाकर यहां पर हरियाली का भी प्रयास किया जाएगा। आज एमडीसी 4 यानी माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 से जो इस एरिया के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो एक नेचुरल नाला जो है शुरू से ही यहाँ सेक्टरों के बीच में से जा रहा है, उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी थी गंदगी के कारण भी और जो घास फूस वहाँ खड़ा होता है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से एमडीसी 4 से लेकर के राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी तक 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस पूरे स्ट्रेच को ब्यूटीफाई करने का काम हाथ में लिया है और इस पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसको ब्यूटीफाई करने के लिए जो पेड़ पौधे अशोका ट्रीज वगैरह बहुत अच्छे जो पेड़ हैं वो इस नाले के बर्म के ऊपर चलने के लिए पाथ और लगभग 6 महीने इन्होंने डेट दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो काम है ये पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत पुरानी मांग और हमने इसको अपने घोषणा पत्र में भी दिया था, चाहे वो नगर निगम का था या हमारा विधानसभा का घोषणा पत्र था, उसमें इस नाले को लेकर के 2 नाले हैं, एक सेक्टर 2 और 4 की तरफ है और एक ये है, इन दोनों को ब्यूटीफाई करने का हमने कहा है कि हम दोनों को करेंगे और अच्छी तरह से ब्यूटीफाई करके हमने कहा है कि जहाँ कहीं ऐसा स्थान होगा जिस स्थान के ऊपर हम एक फूड स्ट्रीट या कोई वहाँ पर रिक्रिएशन की चीज़ शुरू कर सकते हैं, कोई फूड स्ट्रीट शुरू कर सकते हैं, नाइट फूड स्ट्रीट शुरू कर सकते हैं, वेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर आएँ और ये एक पिकनिक स्पॉट बने, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने के पश्चात हम दोबारा जो इसका उद्घाटन है आज शिलान्यास किया है उद्घाटन करेंगे और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब से पंचकूला को मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया है, पंचकूला के विकास के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा वरदान ये साबित होने जा रहा है। बहुत दूर दूर से इंक्वायरीज आ रही हैं एजुकेशन सिटी के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से इंक्वायरी आई है कि आप हमें जगह दीजिए, हम यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेकर के आना चाहते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी जो नामी यूनिवर्सिटी हैं वो आने के लिए तैयार है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के लिए, यहाँ पर मेडिसिटी बने उसके लिए भी अगली जो ऑक्शन आ रही है उसके अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल्स के लिए जो प्लॉट्स हैं वो ऑक्शन के अंदर आने वाले हैं। फिल्म सिटी के लिए इस पंचकूला को फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जाए, क्योंकि पंचकूला हिमाचल के फुटहिल्स में है और जो शूटिंग वगैरह है शायद पंचकूला के अंदर भी होगी और शिमला या हिमाचल की पहाड़ियों के अंदर भी हो सकती है, लेकिन जो उनका बेस कैंप है जो फिल्म सिटी के लोग हैं उनका पंचकूला बनेगा। और इसके अलावा 20 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी
मोरनी हिल्स को जो हमने एक अपना टूरिस्ट सेंटर बनाने का संकल्प किया है, 20 तारीख को पैराग्लाइडिंग का, ट्रैकिंग का, हॉट एयर बैलून, ये सारी चीज़ें मोरनी के अंदर शुरू होने जा रही हैं। उसके अलावा स्टे होम पॉलिसी के तहत भी जो लोग टूरिस्ट आएगा वो मोरनी के अंदर वहाँ पर, तो इस दृष्टि से पंचकूला की विकास की दृष्टि से बहुत सारे स्टेप लिए, चाहे वो ईडी आईडी के रेट्स जो हैं कई मामलों में तो 1/8 कर दिए हैं, और यहाँ का FAR है, कलेक्टर रेट है, उसके अंदर भी मोहाली के बराबर हम लेकर के आए। मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर पंचकूला की तस्वीर बदलेगी, पंचकूला एक नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर के ऊपर जाना जाए। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एडवोकेट पुनीत छाबड़ा को चंडीगढ़ के लीगल सेल का चेयरमैन और एडवोकेट साहिल मेहंदी रत्ता को लीगल सेल चंडीगढ़ का अध्यक्ष मनोनीत किया है। फेडरेशन को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से मान्यता मिली हुई है। एडवोकेट मेहंदी रत्ता और छाबड़ा ने नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी का उन्हें यह जिम्मेदारी देने पर धन्यवाद दिया है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार कम हो रही है, लेकिन मौतें नहीं थम रही। ट्राई सिटी में 24 घंटों में 116 नए कोरोना के पेशेंट आए और 9 लोग कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2192 हो गई है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में 40, पंचकूला में 23 और मोहाली में 53 नए केस सामने आए। चंडीगढ़ में 3, पंचकूला में 2 और मोहाली में 4 लोगों की मौत की सूचना मिली है। आपसे वही निवेदन कि गाइडलाइन का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, आसपास रहने वालों को भी जागरूक करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और मास्क तो हमेशा पहनकर रखें, अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर आएं, क्योंकि बचाव ही आपको बचा सकता है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राइसिटी में आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 52% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हवाओं के साथ रात को तेज बारिश होगी, जिसके बाद तापमान और गिरेगा। ट्राइसिटी अपडेट पे अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियां और खबरें लेकर। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी ट्राइसिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।